रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइप्रस में रहने वाले और साइप्रस जाने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बिल आखिर जो 2 माह से तकरीबन पीछे चल रहा था कि सैलरियाँ ज्यादा होंगी, मगर ये कन्फर्म नहीं था कि कितनी होगी, तो बिल आखिर ये आज फाइनल हो गया है कि 24,000 बेसिक सैलरी होगी। 2024 में जितने भी वहाँ पे वर्कर हैं या जो नए जाने वाले हैं उनको बेसिक सैलरी 24,000 लीरा मिलेगा, जो पाकिस्तान की अगर हिसाब करें तो 10 रुपए के अगर हिसाब करें तो 2,40,000 रुपया बनता है। 2,40,000 बेसिक सैलरी बनती है, ठीक है। इसमें सिकोरदा शामिल नहीं है, सिकोरदा अलावा है। सिकोरदा अगर 3,000 है या 3,500, वो अलग वो कंपनी पे करेगी, आपको साफी 24,000 लीरा सैलरी मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं ये सैलरी किन बंदों को मिलेगी, या सिर्फ तुर्कों को मिलेगी वहाँ पे जो है वहाँ पे जो, या फिर जो गैर मुल्की हैं या बाजी हैं उनको भी मिलेगी। देखें, जो बंदे हुनर वाले हैं, जो पुराने वहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उनको मिलेगी। जिनको जबान आती है, जिनके पास कोई स्किल है, उनको लाजमी मिलेगी। नए बंदे की अगर बात करें तो ऐलान तो 24,000 का हो गया, हो सकता है उनको उतनी सैलरी ना मिले, कुछ टाइम के बाद मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। मैं अपनी एक इंफॉर्मेशन के बुनियाद में देखें, अगर 24,000 बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं, ठीक है, अगर वो 24,000 आप 24,000 के मुताबिक काम भी करेंगे तो सबसे मेन चीज़ है जुबान। अगर आपको जुबान आएगी तो फिर ही आप बात बनेगी। अगर आप जुबान जल्दी सीख लेते हैं और आप जिस स्किल में गए हैं, अगर आप उस स्किल पे सही काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 24,000 मिलेगी। ओवर टाइम डाल के मैक्सिमम आप 2,70,000-80,000, हो सकता है 3,00,000 के राउंड अबाउट भी सैलरी निकाल सके, ठीक है। तो अगर बाकी खर्चे निकाल के ये वो करके मैक्सिमम 2,00,000 रुपया बंदा वहाँ पे साइप्रस में अब बचा सकता है। पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंस थे, 12, 12.5, 11 लाख तक खर्चा आ जाता था और सैलरी 1,70,000 थी, रैश का किराया वगैरह निकाल के, बाकी खर्चे मोबाइल के ये वो निकाल के पैसे कम बचते थे। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह साइप्रस में रहने वाले और साइप्रस जाने वाले काफ़ी खुश होंगे कि अगर उनके पास कोई स्किल है तो उनको इतनी सैलरी मिलेगी। वैसे ये सब के लिए है, स्किल वालों और बगैर स्किल के, ठीक है, मगर मैं स्किल वाली बात क्यों करता हूँ, मुझे उम्मीद है जो स्किल वाले हैं जिनको जुबान आती है उनको ये ज़रूर मिलेगी, हो सकता है बाकियों को कम मिले। अगर बाकियों को मिसाल तो 20,000 भी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी सैलरी है। और जब आपके थोड़ा सा टाइम गुजरता है वहाँ पर तजर्बा हो जाता है तो सैलरी आपको भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब ये सैलरी जो है ये 1 साल पूरे के लिए है, 2024 में आपको यही सैलरी मिलेगी, उसके बाद आगे जाके देखें इकोनॉमी के लिहाज से होता है सैलरी आगे होगी या कम होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अगर आप साइप्रस जाना चाहते हैं या आप नेक्स्ट आप साइप्रस का कोई प्रोग्राम है तो ये आपके लिए वीडियो थी खास, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी यही काम करता हूँ, मेरा भी यही सिस्टम है, मैं भी क्लाइंट को मुतमिन कर सकता हूँ कि देखें भाई जी इतने पैसे आ रहे हैं। पहले ये था 1,70,000 बनता था तो वो कहते हैं यार 70 है, ये है वो, इतने पैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। अब हम भी कह सकते हैं यार भाई 2,50,000 रुपया वहाँ पर सैलरी है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फिर दोबारा इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।